बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुदगल। गुरुग्राम से बड़ी खबर के साथ करेंगे शुरुआत। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राजेंद्र पार्क इलाके में चार लोगों की हत्या कर दी गई है। मकान मालिक ने किराएदार के परिवार पर हमला किया। तेजधार हथियार से चार लोगों की हत्या की गई। पुलिस ने एक घर से चार शव बरामद किए हैं। एक बच्ची घायल बताई जा रही है। डीसीपी वेस्ट दीपक सारा ने बताया कि चारों की हत्या की गई है और आरोपी को राउंड अप कर लिया गया है। घटना में एक बच्ची घायल है जिसे अस्पताल भेजा गया है। प्रथम दृष्टया चारों की हत्या तेजधार हथियार से हुई है, ऐसा पुलिस का कहना है। हत्या की वारदात से हड़कंप मच गया है। गुरुग्राम से ये बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। गुरुग्राम से ये बड़ी खबर, जहां पर चार लोगों की हत्या की वारदात से हड़कंप मच गया है। एक बच्चे समेत चार की बेरहमी से हत्या की गई है। चार मृत शरीर हैं, चार डेड बॉडी हैं जिनकी की हत्या हुई है और आरोपी को राउंड अप कर लिया गया। एक बच्ची घायल है जिसको कि हॉस्पिटल भेजा गया है। प्रथम दृष्टया जो दिखाई दे रहा है वो ये पता चल रहा है कि तेजधार हथियार से ये वारदात की गई है। तो देखिए, गुरुग्राम में एक मकान मालिक पर आरोप है किराएदारों की हत्या करने का। मरने वालों में दो महिलाएं, एक बच्चा और एक पुरुष शामिल है। एक लड़की, एक बच्ची घायल बताई जा रही है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम से ये बड़ी खबर, जहां चार लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। इसमें दो महिलाएं, एक बच्चा और एक पुरुष शामिल है। और इसके बाद कहा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। इस पर ज्यादा जानकारी भी लेंगे। विनोद लांबा जुड़ गए मेरे साथ, जी मीडिया संवाददाता, खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। विनोद, क्या है ये पूरा मामला, क्या है, क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया मकान मालिक की तरफ से? देखिए, अभी तक जो जानकारी, शुरुआती जानकारी सिगल का आ रही है और सारण जो डीएसपी है वो जानकारी दे रहे हैं, उसके मुताबिक कहीं ना कहीं नाजायज संबंधों का मामला शुरुआती जांच में निकल कर आ रहा है। लेकिन पुलिस अपनी तरफ से जब तक इस कारण का खुलासा करेगी और तमाम चीजें देखनी होंगी। एक किराएदार जो रिटायर फौजी है, उसके मकान में किराएदार रहते थे और कुछ परिवार में कुछ संबंध ऐसे बताए जा रहे हैं, उनकी पुत्रवधूती शायद, जो अब तक की जानकारी है, और उसके हिसाब से कहीं ना कहीं जानकारी मिली इस रिटायर फौजी को। और बहुत ही गुस्से में जघन्य अपराध करते हुए इसने धड़ाधड़ तेजधार हथियार से जो हत्याएं की हैं, इसके जो किराएदार हैं दो वो मारे गए हैं, बच्चे मारे गए हैं, एक बच्ची की हालत खराब है। और कुल इस तरह से जो मौत का जो तांडव खेला गया, और देखिए बड़ा स्ट्रेंज है कि इस तरह की बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद ये खुद थाने में जाकर सरेंडर भी कर चुका है। तो कहीं ना कहीं संबंधों का फेर बताया जा रहा है, किराएदार और मकान मालिक के बीच की जो बात थी उसमें इतना बड़ा अपराध साइबर सिटी गुड़गांव में हुआ है और उसके बाद खुद थाने में जाकर सरेंडर करना, ये बताता है कि किस तरह की साइकोलॉजी का ये व्यक्ति था। राय सिंह इसका नाम बताया जा रहा है। पिछले कितने दिन से ये लोग रह रहे थे इस मकान में किराए पर, और जो आरोपी है चूंकि उसकी तरफ से खुद सरेंडर कर दिया गया, क्या परिवार वालों से कोई पूछताछ, चूंकि जो किराए पर रह रहे थे उनमें से तो कोई बचा नहीं, एक बच्ची सिर्फ बची है। पुत्र वधू की भी हत्या हो चुकी है, किराएदारों की भी हत्या हो चुकी है और इस राय सिंह रिटायर व्यक्ति ने अपने पुत्र वधू की भी हत्या कर दी है। और अभी कोई और इन्वॉल्व था इस हीनियस क्राइम में ये देखने वाली बात होगी। और तमाम चीजें जिस तरह से निकल कर आई हैं, एक आवेश में किया हुआ, संबंधों को लेकर किया हुआ ये मर्डर बताया जा रहा है। लेकिन इतना जघन्य अपराध है कि छोटे छोटे बच्चों को भी इसमें नहीं छोड़ा गया है। जांच में, पुलिस की जांच में क्या कोई और शामिल था इस पूरे अपराध में, ये देखने वाली बात होगी। अब तक का जो मर्डर वेपन है वो तेजधार हथियार चाकू अब बताया जा रहा है। बिल्कुल, तो देखिए जघन्य वारदात, एक साथ चार लोगों की निर्मम तरीके से हत्या, मौत के घाट उतार दिया जाता है। विनोद, आप बने रहिए, जानकारी अगली खबर पर भी आप चलेंगे। लेकिन गुरुग्राम से ये दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। अवैध और नाजायज संबंध, इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि जो पुत्र वधु है आरोपी की, उसका संबंध साथ में था किराएदार के, और यही वजह रही कि
पुत्र वधू के साथ साथ किराए पर जो व्यक्ति रह रहा था उसको परिवार समेत मौत के घाट उतार दिया गया।